मार्केट्स डे हाई पर 8216 के लेवल पर निफ्टी, लेकिन नजर रखें आज एविएशन सेक्टर पर, डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स पर और साथ ही फार्मास्यूटिकल स्पेस पर, क्योंकि नई एफडीए पॉलिसी का ऐलान हो सकता है और उस पॉलिसी में फार्मा सेक्टर की भी परिभाषा तय होगी। ऐसा सोर्सेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने पहले ही फार्मा में एफडीआई 49% करने के लिए एक प्रपोजल दिया है, यानी एग्जिस्टिंग फार्मा कंपनीज में एफडीआई इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 49% करने की बात की जा रही है और उसके बियॉन्ड एफआईपीबी के अप्रूवल के बाद। और इसीलिए क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि एफडीआई इस सेक्टर में अभी भी एक कंटेजियस इशू बना हुआ है और इंडियन फार्मा कंपनीज के मर्जर एक्विजिशन की जो प्रक्रिया है वो और तेज हो, इस पर्सपेक्टिव से इस फैसले को काफी अहम माना जा रहा है। लेकिन पूरे ही फार्मा स्पेस पर आप नजर रखकर चले, क्योंकि यूएस में हमने देखा है कि कई बड़ी कंपनियों ने कई छोटी कंपनियों के एक्विजिशन किया, वहाँ ऑलरेडी एम एंड ए एक्टिविटीज फार्मा में काफी बढ़ी हैं और अगर यहाँ पर इस तरह का कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तो डेफिनेटली कुछ जो फार्मा सेक्टर है वो एम एंड ए परस्पेक्टिव से या फिर कंसोलिडेशन परस्पेक्टिव से काफी अट्रैक्टिव हो सकता है, क्योंकि जो वैल्यूएशन हैं वो ऑलरेडी काफी लोअर लेवल्स पर स्पेस की आ चुकी हैं। मनोज, आप भी कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जी, इनफैक्ट जैसे आप बता रहे थे कि इनफैक्ट डिस्पाइट द एफआईपीबी अप्रूवल और यहाँ से रनबैक्सी और पेरेमल जैसे एक्विजिशंस है, दिस कैन बी अ मूव मे बी ऑटोमेटेड मेकिंग ऑटोमेशन ऑफ द फार्मा सेक्टर एफडीआई कैन बी एन इश्यू, बट वी हैव टू सीरियसली लुक फॉर इट कॉज कितने एक्विजिशंस इन वे कैश इन हैंड्स और यहाँ से लेकर कंपनी कैश फ्लो पर कितना विलफुल कंपनी है इस प्रोसेस को अडॉप्ट करने के लिए, दैट हैज टू बी लुक्ड। दीपाली जी, बिल्कुल, तो नजर आएगी इस पूरे ही स्पेस पर अगर कोई भी इस तरह की डेवलपमेंट होती है और फार्मा स्पेस पर खासतौर पे नजर में रहेगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, आप कुछ और क्वेरीज को शामिल कर लेते हैं शो में और हमारे साथ फोन लाइन पर रमेश मौजूद है मुंबई से। रमेश, गुड आफ्टरनून, क्या सवाल है आपका, पूछिए। टू यू, आई एम होल्डिंग 500 शेयर्स ऑफ एक्सावेयर जी एट 179। आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ओके, एक्सावेयर 179 आपका परचेसिंग प्राइस है और 213 पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है और अब इनफैक्ट अब तक की जो भी इन्वेस्टमेंट रही है रमेश जी की, उनमें सब में ये प्रॉफिटेबल है क्योंकि इन्होंने एक लॉन्ग टर्म नजरिया रखा है। लेकिन राजेश, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे उन हेक्सावेयर? 213 पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीद भाव है 170 के आसपास का, मुनाफा इनको हो रहा है, लंबी अवधि के निवेशक हैं, क्या करें अभी? देखिए, मुझे लगता है कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट था उसमें एक्सावेयर के परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से एक्सावेयर में हमने एक बीटिंग देखी थी और जब से एक्सावेयर टूटा है तब से हम देख रहे हैं कि रफली एक डेढ़ महीने से कि 200-210 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, एक कंटिन्यूसली एक साइडवेज ट्रेंड है। एज फार एज, क्योंकि सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, आई एम जस्ट टेलिंग यू लिटिल बिट अबाउट द व्हाट एक्सावेयर इज डूइंग। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो फॉल था डेली के हिसाब से, वो फॉल बुल एक्चुअली ट्राइंग टू अरेस्ट दैट फॉल, कहीं पे कैच करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मिले 230-232 तक। लेकिन अगर आप इसको एक मीडियम टर्म आउटलुक से देखें तो मुझे लगता है और एक फॉल इसमें बाकी है और रफली मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी 160 एक बार टेस्ट करे, अगर 200 का लेवल तोड़े तो, सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। आपको 50-50 चांसेस है, अगर यहाँ से चलता है तो और 30-40 रुपए मिले, अगर घटता है तो 30-40 रुपए मिले जाए, सो इट्स योर कॉल। मेरे हिसाब से अगर सिंस एज ए टेक्निकल एनालिस्ट 195 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे मेंटेन करूँगा, अगर 195 हिट होता है तो फिर मैं एग्जिट करूँगा और अगर 230 और 240 के आसपास कहीं मुझे भाव मिले तो मैं एक बार के लिए अपना जो प्रॉफिट है उसको समेट लूँगा। श्योर, अगले कॉलर से बातचीत कर लेते। आदित्य ने कॉल किया हमें ग्वालियर से, नमस्कार आदित्य, आपका सवाल पूछिए। 2000 शेयर्स परचेज किए हैं 67 रुपीज पे है, आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि सर हम लोग इस पे लॉन्ग टर्म व्यू रखे शॉर्ट टर्म व्यू रखे सर, मतलब आपने स्पाइस से भी बात की प्रॉब्लम जी, बिल्कुल। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर भी रहे थे और इनफैक्ट यहाँ से एविएशन सेक्टर को लेकर काफी अनाउंसमेंट भी आए हुए हैं। राजेश, आपने कुछ देर पहले एविएशन सेक्टर पर आउटलुक आपका दिया था, इनफैक्ट स्पाइस जेट स्पेसिफिकली 3000 और शेयर 66 की इनकी खरीदारी है, शुड ही होल्ड ऑन टू हिज इन्वेस्टमेंट्स और यू हैव अ डिफरेंट आइडिया फॉर हिम? देखिए, अगर आपने यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म नजरिया रखा है तो मुझे लगता है दैट विल बी मच बेटर, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ, रफली 66 का भाव है, आप 60 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करिए क्योंकि इसका जो अपसाइड टारगेट है दैट इज 80-82। द पॉइंट इज एक रेंज बाउंड काउंटर रहेगा एटलीस्ट फॉर द टाइम बींग फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ,
तो मुझे लगता है कि आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और इसको 60 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, इसे होल्ड रखिए। अगर आपको एक पुल बैक मिलता है, अगर ये जो न्यूज चल रहा है एक न्यूज ड्रिवन रैली अगर मिलती है और 80-82 का भाव मिलेगा तो आप इसमें से एक बार के लिए एग्जिट कर लीजिए। जी चलिए, आपको दी गई है स्पाइस जेट पर अभी करीब 150 रुपए ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन सुबह से कई बड़े दिग्गजों से हमारी लगातार बातचीत हो रही है और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी मार्केट पर अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अभी भी हैं या फिर थोड़ा ठहरना चाहिए। और इसी कड़ी में रमेश धवानी से खास बातचीत हुई जिसमें उन्होंने कहा कि रियल्टी और ऑयल एंड गैस सेक्टर निवेश के लिहाज से काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, क्या कहा उन्होंने सुन लेते हैं। लग रहा है कि काफी बॉम्ब्ड आउट सेक्टर है, ये बिकवाली स्लो है, इसके लिए प्राइसेस भी एकदम लो है, सो आई थिंक अ कॉन्ट्रेरियन कॉल कैन बी मेड स्पेशली नाउ दैट इंटरेस्ट रेट्स विल स्टार्ट कमिंग डाउन। सो आई थिंक आई एम बुलिश, आई हैव बीन बुलिश फॉर द लास्ट ईयर और सो ऑन द रियल एस्टेट सेक्टर। एक दूसरा सेक्टर में आपका अटेंशन में आई लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू इज द ऑयल मार्केटिंग कंपनी सेक्टर। ऑयल प्राइसेस आर डाउन बट इंडिया हैज नाउ बिकम द स्विंग बायर ऑफ ऑयल। दुनिया में सबसे ज्यादा जो इंडिया का मार्जिनल बाइंग होता है दैट इम्पैक्ट्स द प्राइसेस। तो फॉर दीज कंपनीज दैट विल रिफाइन इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ ऑयल आर डीरेगुलेटेड विल पे आउट 30%, आपको 5-6-8 के पी में मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है वहां काफी अपॉर्चुनिटी है फॉर शार्प इन्वेस्टर्स। चलिए छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, राजेश सरपुते मौजूद है हमारे साथ, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे डेंजर जोन की, यानी चर्चा होगी उन स्टॉक्स की जिनसे आपको निवेश करने से बचना है, जिनको आपको अवॉइड कैटेगरी में रखना है।